1 अप्रैल यानी नए वित्तीय वर्ष से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। पैन कार्ड, केबल टीवी, जीएसटी जैसी चीजों से आएंगे बदलाव। नए वित्तीय वर्ष 18-19 के खत्म होते ही हमारे जीवन में कुछ नए बदलाव होते दिखेंगे। इनका हमारे जीवन में व्यापक रूप से असर दिखेगा। जी हाँ, आज के युग में सरकार द्वारा बनाए बंद किए गए नियमों से हमारे जीवन में सीधा असर पड़ता है। हम आपको बता दें, सबसे पहले हमारे पैन कार्ड की स्थिति में सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा अगर वह आधार से लिंक नहीं किया गया है। यह आदेश सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है। ऐसा होने पर हम ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। वहीं DTH और केवल कनेक्शन ट्राई के नियमों के अनुसार बंद हो जाएंगे। 1 अप्रैल से आप अपने चुने हुए चैनल ही देख सकेंगे और आपको उन्हीं का भुगतान करना होगा। 1 अप्रैल से वाहनों में इस्तेमाल होने वाली CNG और पाइप नेचुरल गैस यानी PNG की दरें GST लगने से बढ़ सकती हैं। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने की संभावना के चलते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है। साथ ही वाहन कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है, जिससे कार बाइक महंगी हो जाएंगी। सरकार ने GST की दरें निर्माणाधीन मकानों में कम करने का निर्णय लिया है, जिससे घर खरीदना काफ़ी सस्ता हो जाएगा। इसमें GST करीब 1% 19 मार्च की बैठक में कर दी गई है। मकान खरीदने के लिए लोन भी सस्ता होगा। जी हाँ, बैंक अब MCLR की बजाय RBI के द्वारा तय किए गए रेपो रेट के आधार पर लोन देंगे। अभी तक बैंक अपने लोन की गणना अलग अलग तरीके से करते थे। जिन ग्राहकों के कर्ज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट से जुड़े हैं, उनके कर्ज घटेंगे। साथ ही हम आपको बता दें, 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। इसका सीधा असर नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा जो नौकरी बदलते रहते हैं। साथ ही आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव 1 अप्रैल से नए आयकर नियम को लेकर होगा, जिसमें 5 लाख तक आय टैक्स फ्री होने वाली है। स्टैंडर्ड रिक्शन 50,000 रुपये, बैंक में जमा 40,000 तक के ब्याज पर टैक्स फ्री किराए पर TDS की सीमा 2.40 लाख शामिल होगी। वहीं रेलवे अभी तक 2 ट्रेनों पर सफर करने वालों को 2 PNR जारी करता था, अब वह केवल 1 PNR जारी करेगा। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एक CA हैं, CA झा साहब मौजूद हैं। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, लवलेश त्रिपाठी जी, एडवोकेट। 2 खास मेहमानों से वो बातें जिनका जिक्र अभी हमने किया, वित्तीय वर्ष के बदलाव का आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बीते वक्त में राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए नियम से ही आम आदमी के जीवन पर असर पड़ता था। हर चीज का निर्धारण वो राजा महाराजा किया करते थे। वक्त बदला, इन बातों को बदलने के लिए, नए नियम बनाने के लिए हमने अपने 20 से चुने हुए नुमाइंदे संसद में भेजना प्रारंभ किया और उन नुमाइंदों ने हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक नियम बनाए। हम उन्हीं नियमों पर चलते हैं। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, इस वित्तीय वर्ष में जो आज समाप्त हो रहा है, क्या क्या बदलाव हुआ। वकील साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कुछ बदलने जा रहा है? जी, बदलने जा रहा है। ये वित्तीय वर्ष 2018-19, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज इसका एंडिंग डे है। अगर आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया जाएगा तो वो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा, फिर से दोबारा पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो इनकम टैक्स का रिटर्न है, असेसमेंट ईयर 18-19, आज उसका लास्ट डे है। और अगर आज रिटर्न सपोज करिए लोग फाइल भी कर दिए हैं तो उसके रिवाइज का डेट समाप्त हो गया है। ये दूसरा फेरबदल हुआ है। और तीसरा फेरबदल जो हुआ है वो GST के लिए जो सितंबर तक की पेनाल्टी माफ की गई थी, आज उसका रिटर्न सबमिट करने का लास्ट डेट है। अगर आज वो रिटर्न नहीं सबमिट करेंगे लोग तो उसकी पेनाल्टी जो माफ करने की स्कीम गवर्नमेंट लागू की थी वो भी समाप्त हो जाए। निश्चित रूप से वकील साहब, आपने जो बताया, इसका असर तो आम आदमी पर पड़ने वाला है। जैसा कि हम लोग अक्सर ये करते हैं कि अंतिम तारीख के बाद कुछ पेनाल्टी के साथ हम लोग उसको जमा कर देंगे। हमारे साथ मौजूद है CA साहब, मैं उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा। झा साहब, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि पिछले बजट में जब
केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज की गई थी, बहुप्रतीक्षित मांग थी जिसको कहा जा सकता है, 5 लाख तक का इनकम टैक्स पर रिबेट। ये क्या था और किस तरीके से इसमें था, हमारे दर्शकों को जरा समझाने की कोशिश करिए। देखिए सर, क्या है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है ये ग्रोइंग है, तो आप जैसे इनका जो एक्सपेक्टेशन है आम जनता का कि हमको 5 लाख तक माफ़ कर दीजिए, 2.5 लाख से 5 लाख तक डायरेक्ट जम, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा और उन्होंने किया भी है। अच्छा, अभी क्या है कि सबको ये पता है कि 5 लाख तक छूट हो गया, बात ये नहीं है। जिनका जो ग्रॉस इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम है, वो 5 लाख तक है, उनके लिए छूट है। जिसका जिनका 5 लाख से ज़्यादा है उनका स्लैब वही पुराना वाला ही है, 2.5 लाख से 5 लाख तक जो 5% है, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, 10 लाख से ऊपर 30% है, तो वो सेम रहेगा। एक ये मिसकॉन्सेप्शन है, जैसे बहुत जन आते हैं पूछते हैं सर अब तो 5 लाख तक छूट हो गया, बल्कि उनका इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, जिनका 5 लाख से नीचे है, जैसे 4.5 लाख है, 4,90,000 है, उनके लिए छूट है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो इन्होंने जो मिडिल क्लास को लेके जो बजट किया है, इस बार जो बजट हुआ है वो मिडिल क्लास को लेके ही हुआ है। एक तो बहुत ही अच्छा वेलकम अप्रोच इन्होंने किया है, जो सबका मकान जो है इन्होंने ठाना था, प्रधानमंत्री जो योजना थी सबको मकान हम देंगे, इसमें इन्होंने एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है। दूसरा, जो पहले जो नियम था वो एक, अगर किसी व्यक्ति के पास 2 घर है तो एक उसको जो है उनका सेल्फ ऑक्युपाइड मानते थे, और दूसरा में वो डीम्ड जो नोशनल रेंट है उस पर वो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स लेते थे। लेकिन इस बार इन्होंने ये चेंज किया है कि 2 आप जो है यूज़ कर सकते हैं, या दोनों में आपको जो है इंटरेस्ट जो ब्याज मिलता था हाउस रेंट का जो लोन लेते थे, तो उसमें जो है वो दोनों को आप सेल्फ ऑक्युपाइड करके दोनों में आप छूट ले सकते हैं। दर्शकों, निश्चित रूप से आपकी एक बहुत बड़ी भ्रांति दूर हुई होगी, दोनों मकानों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा एक यहाँ पर एक काफी लोगों ने मुझसे कई बार एक सवाल पूछा, ये TDS क्या है, ये एक बड़ी TDS काफी सुनने में आता है, ये TDS क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है? देखिए सर, TDS क्या है, जैसे जैसे हम लोग रिटर्न भरते हैं तो सरकार का जो खर्चे हैं वो तो डे टू डे होते हैं। जैसे हम लोग रिटर्न भरते हैं तो सब कोई को ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हम जो है रिटर्न भरने के समय हम टैक्स देंगे, लेकिन जो एक्चुअल जो TDS इनकम टैक्स का जो नियम है ऐसा नहीं है। क्योंकि घर को चलाने के लिए आपको रोज कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, सरकार को भी चलाने के लिए उनका एक्सपेंडिचर जो है, इसीलिए उन्होंने एडवांस टैक्स का जो है प्रोविजन रखा है। वो कंपनी और नॉन कंपनी का भी रखा है उन्होंने, 30% स्लैब है, 60% है, फिर 100% है। जैसे आप सितंबर में 15 सितंबर में एक एडवांस टैक्स दे दीजिए 30%, फिर 15 दिसंबर में कर दीजिए 60%, फिर 15 मार्च तक जो है आप 100% एडवांस टैक्स कर दिए। कंपनी का भी ऐसा ही है, जून है उनका, 4 क्वार्टर है, 15, 45, 75 और 100, इस तरह से है। अच्छा, इसमें प्रॉफिट लाभ क्या होता है वो SSEs को, इसमें लाभ ये होता है सर कि जैसे अगर हम एडवांस टैक्स कर दिए और जब हम रिटर्न भरने गए तो या तो हमको कुछ पैसा और देना होगा टैक्स में जब कैलकुलेट करेंगे, या हमको और हमको रिफंड मिलेगी। तो उसमें आपको 234 का जो सेक्शन है ABC, उसमें एक इंटरेस्ट का भी आता है, तो उसमें जो है आपको ब्याज जो है नहीं लगेगा अगर आप एडवांस टैक्स पे कर देंगे। तो TDS इसीलिए कटती है कि हमको जो है टाइम से जो है हमको तो देना है ही है टैक्स, और अगर आप ज़्यादा अगर TDS काटते हैं तो आपको रिफंड भी मिलती है। ये दर्शकों आपकी एक बड़ी सबसे बड़ी, निश्चित रूप से ये काफी लोगों की मांग थी, TDS हम पहले से कट जाता है तो उसका क्या होता। देखिए TDS कटने से आपने ज्यादा आपने बताया कि ब्याज में छूट मिलती है आपको, जो भी अगर आपने TDS ज्यादा कट गया तो वो रिटर्न वापस आ जाता है। वकील साहब, यहाँ एक बड़ा सवाल, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं रिटर्न क्यों फाइल करूं, वो रिटर्न फाइल करने में डरते हैं, उनको लगता है कि हम गवर्नमेंट की नजर में आ जाएंगे, हमारी जो भी कमाई है वो सरकार ले लेगी, तो इनकम टैक्स रिटर्न आम आदमी को क्यों जमा करना चाहिए और उससे आम आदमी को क्या फायदा होता है? बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, देश को शक्तिशाली एवं समृद्धशाली बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का ईमानदार होना जरूरी है। रिटर्न फाइल करना मीन्स अपनी हम ऑनेस्टी बता रहे हैं लोगों को नहीं बल्कि देश को मैं अपनी ऑनेस्टी बता रहा हूँ, और अपना आय व्यय का जो हम ब्यौरा दे रहे हैं तो उससे एक हमारा जो गवर्नमेंट है ना, तो एक खाका तैयार करता है और उसमें ये देखता है कि आज हमारे देश में कितने लोग किस लेवल में हैं, इन द सेंस ये कि हमारे देश की समृद्धि कितनी बढ़ी है। इसके लिए रिटर्न सबमिट करना अति अनिवार्य है।
मीन्स ये कि अपनी आय जो है वो हम गवर्नमेंट को बताएं, आवाम को बताएं कि हमारी इनकम इतनी है, हमारे एक्सपेंसेस इतने हैं और जो बचा पैसा है वो हमारे बैंक खातों में जमा है अथवा कहीं हम इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। मीन्स ये कि जो कुछ है वो सब कुछ क्लियर है, वाइट है, दिख रहा है। ये इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने का मेन मकसद, ये था इनकम टैक्स रिटर्न करने का मेन मकसद। इसमें और मैं जोड़ देता हूँ, वकील साहब ने जो कहा वो काफी हद तक सही है, इसमें थोड़ा मैं और ऐड कर देता हूँ। इनकम टैक्स क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है सर, पहले क्या था कि ये अप्रोच था कि आपको अप्रोच करते थे, लेकिन आज क्या है कि जो टाइम के हिसाब से एसएससी खुद ही बोलते हैं कि हमको जो है इनकम टैक्स भरना जरूरी है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके कलीग्स, उनके जो है दोस्त साथी, उनके जो रिलेटिव्स है सब भर रहे हैं और उनका उनको फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? एक तो जो है अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको बैंक जब भी जाएंगे आप बोलेंगे भाई मेरा ये इनकम ये है, तो प्रूफ क्या है? प्रूफ वही है कि ITR है, एक बात। दूसरी बात, आजकल क्या है कि सब इंडिया से बाहर भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, सब अब्रॉड जाते हैं, तो जब आप अब्रॉड जाएंगे तो आपको ITR जो है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है कि आपका इनकम ये है, आपको इनकम दिखाया जाता है कहीं भी आप जाएंगे। तो क्या है कि आज जो है गवर्नमेंट का जरूरत तो है ही है देश चलाने के लिए, उससे ज्यादा जरूरत आपको खुद है। निश्चित रूप से आम आदमी को इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको समझा दिया होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। आपके बिजनेस, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, उस बिजनेस को तरक्की लाने के लिए उसमें आपको जो भी पैसे की जरूरत है वो बैंक आपको आसानी से दे देगा, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर अब बात कर ली जाए GST की, तो जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 1 अप्रैल से GST नए मकानों पर, अब भी 19 मार्च को नए मकानों पर GST की दर 1% कर दी गई। इसका सीधा सा अर्थ यह है आगे आने वाले समय में मकान सस्ते होंगे। झा साहब जरा दर्शकों को समझाइए ये GST की दर कम होना बढ़ने का क्या असर होता है और इसको किस तरीके से आम आदमी को देखना चाहिए। हाँ सर, ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। क्या GST जो लागू हुआ है अभी 2 साल होने को हुआ है, आप देखोगे रेट्स में काफी उतार चढ़ाव हुआ है। उनका जो एक्सपेक्टेशन था, उनके हर महीना में मीटिंग होती है GST का, अब वो देखते हैं आंकड़ा, देखते हैं कि जहां उनको एसेंशियल कॉमोडिटीज है, एसेंशियल गुड्स है, तो उसमें जो है हमेशा रेट कम रहा है GST से पहले भी। तो हाउसिंग जो है एक बहुत बड़ा नीड है, भारतवर्ष इतना 125 करोड़ का जनसंख्या है, इसमें जो है सिर्फ अपना मकान सिर्फ जो है 5-10% लोगों को ही है। तो सरकार ये चाहती है कि आप आगे आइए, आपका अपना मकान हो और ये एक एसेंशियल कमोडिटीज में आया है। तो सरकार ने देखा है कि अगर हम इसका GST का रेट कम करेंगे तो हमारा जो है जो प्रोडक्टिविटी है, हमारा जो कंज्यूमर का जो वांट है, डिमांड है, वो फुलफिल होगा। और वो इस बार जो है वो बजट में जो है लिए हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा और काफ़ी जो है डिमांड बढ़े हैं और इससे जो है मकान जितने भी हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, जैसे रेरा आया था बीच में, तो रेरा से भी जो है काफ़ी प्रभावित हुआ था। जो तीन चार साल आप देखे होंगे, 2 साल हुआ है रेरा का अप्रॉक्स, उससे काफ़ी डल हो गया था मार्केट जो है, बहुत प्रोमोटर के साइड से भी और कॉस्टिंग भी बहुत बढ़ा था। अब ये जो अभी जो दौड़ जा रहा है इसमें काफ़ी उन्होंने सोच समझ के ये कदम उठाया है, इसमें जो प्रोमोटर है और जो कंज्यूमर है दोनों को बेनिफिट को मजर रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है ये वाला कदम उठाया है, तो इसको सबको लाभ उठाना चाहिए। निश्चित रूप से देश 1947 में आज़ाद हुआ, 71 साल बाद रोज नियम बदले, धीरे धीरे एक समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से नियम बदलते गए। सरकार ने आम आदमी को दिमाग में रखते हुए नियमों को बदले, एक चुने हुए एक्सपर्ट्स की टीम ने आम आदमी की जरूरतों को दिमाग में रखते हुए कुछ नियम ऐसे बनाए जिनको लेकर सरलता से आम आदमी का जीवन यापन हो सके। मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल से ट्राई के नियम से केबल कनेक्शन DTH में भी आप अपने मनचाहे कनेक्शन ही चैनल ही देख सकेंगे। उसके लिए आपको उन्हीं चैनलों का भुगतान करना पड़ेगा जिन चैनलों को आप दिखना चाहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है अभी आपको 200, 250, 300 चैनल आपको इच्छा हो या न इच्छा हो आपको पैकेज के रूप में दे दिए जाते थे। आप सोच समझ कर अपने मनचाहे चैनल को देखिए, उनके हिसाब से अपना पैसा दे। वकील साहब जी, यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये पैदा होता है
कि ये जो इस तरीके के नियम आते हैं, इन नियमों का शुरू शुरू में सरकार जब नियम तो बनाती इस तरीके से, उसको इस तरीके से जटिल बना देती है कि आम आदमी को लगता है कि ये तो इस नियम के चक्कर में हम फंस जाएंगे। जैसे जब GST लागू किया गया या इनकम टैक्स की बात की गई, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इसको किस तरीके से समझाएंगे मैं दर्शकों? पहले तो आपका ये सवाल इतना अच्छा है कि मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद दोनों देना चाहता हूँ। रही बात देश के कानून नियम का, देखिए राष्ट्र हमारा है, हम राष्ट्र के हैं, नियम हमारे लिए बना है, नियम हमीन बनाए हैं, कानून का पालन हमीन करेंगे और कानून हम ही बनाए हैं। तो है क्या कि हमारे देश की जो आबादी है उसमें एक चीज़ का ये ख्याल किया जाता है कि उसमें कितने लोग हायर लेवल के हैं, कितने लोग मीडियम के हैं, कितने लोग लोअर के हैं। और कानून जैसे बना दिया गया, अब उसको ये देखा गया कि जो लोअर हैं अथवा मीडियम हैं उनको पालन करने में कठिनाई जा रही है अथवा उनकी जो स्थिति है वो पालन करने लायक नहीं है, इसलिए समय समय पर इसमें संशोधन किया जाता है। और संशोधन इसीलिए किया जाता है कि हमारे राष्ट्र का हर नागरिक अथवा व्यक्ति उसको सरलता से जो है पालन कर सके, जटिल नहीं है। शुरू में जब कोई परिवर्तन होता है तो चूंकि हमारा जो सिस्टम है वो पहले कुछ अलग ढंग था और अब जो परिवर्तन हो रहा है तो उसमें पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है तो महसूस होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं जो है। जो परिवर्तन हो रहा है वो जटिल नहीं है, हालांकि हमें महसूस होता है। इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा सर। ये जैसा कि है, हम लोग देखे थे कि जब हम लोग जब कंप्यूटर नया नया आया था तो हम लोग ऐसे रेजिस्टेंस किए थे कि कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारे देश में जो है बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, यह इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखेंगे जब भी कोई नया चीज़ आता है तो इस तरह से रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जब उसका फ़ायदा लोगों को दिखने लगता है, जैसे कि आप शुरू शुरू में देखेंगे जब टीकाकरण था तो टीकाकरण से ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो पोलियो, धीरे धीरे सबको जब अवेयरनेस जब बढ़ा तो आदमी अपने आप यूज टू हो जाता है। जैसे कंप्यूटर हमने देखा तो कंप्यूटर जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का एडवांसमेंट के लिए। आज जो है हम लोग सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, इसमें ऐसा तो नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेस हुआ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा है। तो वैसे ही जो आजकल के जो GST का जो टेक्नोलॉजी है, जो इनका सर्वर है, वो हमेशा संशोधन हो रहा है, इनका ऑब्जेक्टिव अच्छा है, तो इसमें परिवर्तन में जो है सब यूज टू हम लोग हो रहे हैं और हो जाएंगे, बहुत जल्दी जो है ये सब ठीक हो जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन के साथ चलिए, खुश रहिए। निश्चित रूप से बड़ी मार्के की बात आपने कही कि कंप्यूटर को जब लॉन्च किया गया था तो उसको आम आदमी ने कहा था इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, हुआ उल्टा, आज उसका असर देखा जा रहा। आज जीवन के एक जरूरी अंग में कंप्यूटर शामिल हो गया, जिस तरीके से मोबाइल के बगैर आम आदमी ये कहता है कि हमारी ज़िंदगी बेकार है, उसी तरीके से कंप्यूटर निश्चित रूप से प्रकृति, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा, बदलाव प्रकृति का नियम है। आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद थे जिन्होंने इनकम टैक्स और तमाम तरीके के बदलाव, उनके उपयोग के बारे में हमको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसका असर निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमारे जीवन पर पड़ने वाला, उसका हम फायदा ले सकते हैं। आपने जैसा कि कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, आपने जैसा कहा कि इससे आपके जीवन में, आपके बिजनेस में इसको फाइल करने से सरलता आएगी, आपको लोन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, जब भी बैंक जाएंगे पहली चीज ITR ही मांगता है बैंक। इस मुद्दे पर हम आगे की बातचीत जारी रखेंगे, आज वक्त इजाज़त नहीं देता, इस परिचर्चा को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मनोरंजन के लिए आप बने रहिए रीवा दर्शन के साथ। नमस्कार।